एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लखनवी गर्ल श्रेया। हाय, आई एम श्रेया। ओके गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तीन बहुत ही प्यारी सी साड़ियाँ। एंड आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो ये तीन स्पेशल वीडियो है, एंड दूसरी बात, आज की जो शॉपिंग है वो मेरे हस्बैंड ने की है मेरे लिए। एंड जो ये तीनों साड़ियाँ हैं ये फ्लिपकार्ट से है और 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, 1000 से 1500। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, एंड लेट्स सी कि हस्बैंड ने किस टाइप की साड़ी ऑर्डर करी है मेरे लिए, ये कैसा आया है। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और वीडियो पसंद आए तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो यार, चलो अभी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, जो सबसे पहली साड़ी है ना, वो आई गेस 1200 रुपये की है, एंड ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत ऐसा भी नहीं है कि आप इसको तीज में वेयर ना कर सको। सो ये जो कपड़ा है, एक्चुअली ये जो साड़ी है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। रीज़न वाई कि मुझे इस टाइप की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, थोड़ी लाइट वेटेड भी हो और दिखने में थोड़ी हैवी हो, बट हाँ वेट में हैवी ना हो, तो कुछ इस टाइप का लुक है इसका, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। प्रिंटेड साड़ी है एंड उस पर बॉर्डर है सीक्वेंस का, मैं बोल क्यों रही, मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो दिस इज़ द साड़ी, रेड कलर की है, प्रिंटेड साड़ी है। वीडियो में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट दिख रहा है, बट उतना भी ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है, ये थोड़ा मरूनिश कलर की है, एंड इस पर ना इस टाइप के फ्लावर प्रिंट्स हो रखे हैं, और जो फ्लावर प्रिंट्स हैं ना अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो अगर आपको थोड़ी ट्रेंडी चीज़ें चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फ्लावर प्रिंटेड कुर्ती हो गई या फिर साड़ी हो गई भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो या, तो दिस इज़ द साड़ी, एंड कुछ ऐसा बॉर्डर मिल रहा है आपको, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ हैवी वेयर नहीं करना है ना, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगने वाला है। पूरी साड़ी पर आपको प्रिंट मिल रहा है, आप देख सकते हो, और बॉर्डर पूरी साड़ी पर है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आप इसको ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ पहन लो, या फिर जो इसमें ब्लाउज आया है वो भी काफ़ी अच्छा है, मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ। तो दिस इज़ द ब्लाउज, मरून कलर का फैब्रिक है, एंड आपको अंदरनीत लाइनिंग लगवानी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सी थ्रू भी है और इस पर वर्क है, तो आप डिज़ाइन देख सकते हो, ये कुछ ऐसा है, गला का डिज़ाइन बैक और फ्रंट दोनों का दिया हुआ है, और स्लीव्स का भी दिया हुआ है, फ्रंट मतलब ये फर्स्ट स्लीव और ये नेक्स्ट स्लीव के लिए। ओके, अगर फैब्रिक की बात करूँ साड़ी की ना, तो साड़ी का फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, आप देख सकते हो। सो ये ना जॉर्जेट, सिफॉन और सिल्क का मिक्सअप है ये फैब्रिक, आई डोंट नो उसको कौन सा फैब्रिक बोलते हैं, वेबसाइट पर जॉर्जेट लिखा हुआ था, बट ये तीन थोड़ा मिक्सअप है, जॉर्जेट, सिफॉन और सिल्क का, तो प्योर जॉर्जेट नहीं है ये, एंड प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है, ठीक है, क्योंकि ब्लाउज काफ़ी हैवी दिया गया है इसमें, अगर बस साड़ी पे बॉर्डर होता और ब्लाउज प्लेन होती ना, तो ये 1200 रुपये थोड़ा ज़्यादा हो जाता, बट क्योंकि ब्लाउज पे वर्क है, अच्छा खासा वर्क आपको मिल रहा है, तो तीज के लिए काफ़ी अच्छा है, एंड 1200 रुपये ठीक है, इतना सही है, मे बी आपको ये किसी और अदर वेबसाइट पर थोड़ी और कम पे मिल जाए, बट फ्लिपकार्ट पे आपको ये 1200 की मिल रही है। तो यार, दिस इज़ द फर्स्ट वन। अच्छा, नेक्स्ट जो दो साड़ियाँ हैं ना, वो थोड़ी हैवी साइड पे है, 1000 रुपये की है और एक आई गेस 1500 की है। तो ये जो साड़ियाँ हैं ना, ये आप अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बहुत प्यारा लगने वाला है, वैसे कोई भी पहन सकता है, लेकिन अगर नई नई शादी हुई है ना, तो उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इस टाइप की साड़ियाँ नई नई जो दुल्हन होती है उन पर काफ़ी अच्छी लगती है, इस टाइप के कलर्स भी। तो जो फर्स्ट सॉरी जो नेक्स्ट साड़ी है वो 1000 रुपये की है, एंड इसका कलर थोड़ा पिंक ऑरेंज मिक्सअप है। सो दिस इज़ द साड़ी, आप देख सकते हो कलर कितना ज़्यादा वाइब्रेंट है इसका, ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, तो आपको इस टाइप के वाइब्रेंट
कलर पहनना पसंद है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है ये, वजन में भी हैवी है ये। एंड इसका वर्क आप देख सकते हो, कुछ ऐसा कट वर्क डिज़ाइन मिल रहा है आपको नीचे से, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है वर्क इसका। एंड पूरी साड़ी पे आपको ऐसी बूटी बनी हुई मिल रही है। एंड इसको आप किसी भी गोल्डन ब्लाउज के साथ या फिर इसमें भी ब्लाउज दिया होगा आई गेस, यस इसमें भी ब्लाउज है आप देख सकते हो ये। सो दिस इज द ब्लाउज, तो अंडरनीथ लाइनिंग लगवा के आप इसका ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो। बाकी ओवरऑल लुक तो आपको जॉइन पार्ट में दिखेगा। तो यार दिस इज़ द नेक्स्ट साड़ी। एंड इसका जो कलर है ना वो वेबसाइट पर रेड दिख रहा था, बट आया इस टाइप का कलर है। एंड इसका फैब्रिक वॉज जॉर्जेट, तो काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, फैब्रिक में कोई ख़राबी नहीं है, 1000 रुपये में वर्थ है ये। सो यार दिस इज़ द नेक्स्ट वन। चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस पर जो ये मोतियाँ लगी हुई है ना, ये चिपकाई हुई है, स्टिच नहीं की हुई है। तो अगर आप इसको बाय करो तो मेक श्योर कि आप इसको मशीन वॉश तो बिल्कुल भी मत करना, आपको इसको हल्के हाथों से ही वॉश करना होगा, लाइक ड्राई क्लीन वगैरह करा सकते हो या फिर घर पे अगर धोना है तो हल्के हाथ से, वरना ये जो लगे हुए हैं ना मोतियाँ वो निकल सकती है, और यहाँ पर कुछ राइमस्टोन्स लगे हुए हैं तो वो निकल सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट वन, जो कि है इस हॉल का लास्ट साड़ी, और ये महंगी साड़ी है, 1500 रुपये की है ये। 1500 के हिसाब से इसका वजन अगर मैं बोलूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये, आपको देख के लग रहा होगा। फुल ऑन वर्क मिल रहा है आपको, ये पल्ला वाला सेक्शन है, पूरी साड़ी ऐसी नहीं है। तो ये जो कलर है ये ऑरेंजिश रेड कलर है, वो ऑरेंजिश पिंक टाइप का कलर था, ये ऑरेंजिश रेड है। और दिस इज़ द पल्ला, जो नीचे वाला सेक्शन होता है ये वो है। तो यहाँ पे आपको पूरा ऐसा वर्क मिल रहा है, इस पर भी अगेन राइमस्टोन्स एंड हाफ पर्ल्स चिपकाए हुए हैं, तो बी केयरफुल इसको वॉश करते हुए। फैब्रिक वॉज जॉर्जेट एंड आप देख सकते हो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है, एंड वर्क भी काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली इस साड़ी के नीचे रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, हस्बैंड बता रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इसको ऑर्डर करा है। और तीज के लिए आई गेस, तीज में बहुत सारे लोगों को ऐसी हैवी साड़ियाँ वेयर करना अच्छा लगता है। ये एक्चुअली चिपकी हुई है, तो इसको थोड़ा मैं निकाल लूँ। तो बॉर्डर आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा चौड़ी बॉर्डर नहीं है, मुझे ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर पसंद नहीं है, तो उस हिसाब से इसका जो बॉर्डर है वो काफ़ी अच्छा है, लाइक बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। ओके इसमें आपको ना ब्लाउज का फैब्रिक, इसको भी अभी निकलना था। ओके तो इसमें जो इसमें भी ब्लाउज का फैब्रिक आपको दिया गया है, कहाँ गया? ओके तो ये रहा ब्लाउज का फैब्रिक, कुछ ज़्यादा ही चिपकी हुई है ये साड़ी, तो आपको कुछ ऐसा वर्क मिल रहा है, आप इसको कहीं भी लगवा सकते हो। ये आई गेस बैक का डिज़ाइन है आई गेस, और ये पूरी ब्लाउज है। साड़ी आपको बॉर्डर मिल रही है, और पूरी साड़ी पे, नॉट पूरे साड़ी पे, आपको जो ऊपर वाला सेक्शन होता है ना जहाँ प्लेट्स होते हैं उसके ऊपर वाले सेक्शन पे आपको ये पूरा प्लेन मिल रहा है कुछ ऐसा, और नीचे आपको ऐसा बूटी बना हुआ मिल रहा है, लाइक हाफ प्लेन है और हाफ वर्क मिल रहा है आपको। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, तो ये आप देख सकते हो हाफ प्लेन है और हाफ में वर्क है। नॉर्मल ऐसी ही होती है साड़ियाँ, ऊपर वाले सेक्शन में प्लेन होती है और नीचे वर्क मिलता है आपको। पल्ला वाला सेक्शन वॉज हैवी, जो कि मैंने आपको दिखाया, लाइट वेट तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत हैवी है ये। दिस इज द पल्ला वाला सेक्शन, तो आप देख सकते हो पल्ला वाले सेक्शन पे आपको पूरा वर्क मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा वेयर करने के बाद
इफ़ इन केस अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो ये काफ़ी प्यारा लगने वाला है. सो या दिस इज़ द नेक्स्ट वन. आप चाहो तो आप इस वाले को भी ट्राई कर सकते हो इस तीज. सो या दिस इज़ द लास्ट. लास्ट पीस ऑफ दिस हॉल वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. और एंड या ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ना कि इन तीनों साड़ियों में से आपको कौन सी साड़ी सबसे अच्छी लगी है. एंड दूसरी चीज़ कि आपको मेरे हस्बैंड की पसंद की हुई साड़ी कैसी लगी है. हस्बैंड ने शॉप किया इस बार मेरे लिए. अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. एंड ऑल्सो टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल लखनवी गर्ल 18. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.